जर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज टॉरनेडोस तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में एयर प्रेशर के बारे में जानना थंडरस्टॉर्म जानना साइक्लोन जानना अब जानेंगे टॉरनेडोस क्या है आखिर अ टॉर्नेडो इज अ वॉयलेंट स्पिनिंग स्टॉम इन द शेप ऑफ अ डार्क फनल विथ अ नैरो एंड ऑफ द लैंड तो टॉरनेडो है क्या इज अ वॉयलेंट स्पिनिंग स्टॉर्म है स्पिनिंग होता है गोल 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 घूमता है डार्क डार्क फनल, डार्क फनल के शेप का होगा।, एंड तो एंड क्या, में क्या होगा है ये जैसे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एकदम नैरो एंड है और स्पिन करते जा रहा है तो ये होता है टोर्नेडो दिस आर सीज एंड आर कॉल्ड वाटर स्पोर्ट्स तो अगर ये टॉर्नेडो सी पे बन रहा है तो इसको हम कहेंगे वाटर स्पोर्ट्स मतलब ये लैंड में भी बन सकता है ये सी में भी बन सकता है और लैंड वाले को टोर्नेडो कहा जा रहा है बट सी वाले को हम कह रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स टोर्नेडो डेवलप फ्रॉम दंडर स्ट्रम एंड इज फॉर्म मोस्टली ऑन द लैंड तो टोर्नेडो तो जो बन रहा है वो किस कारण बन रहा है थंडर स्टोम के कारण और ये मोस्टली लैंड में बन रहा है 250 250 लेकिन जो ये टॉर्नेडो फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर आवर भी हो सकते हैं डिस्ट्रॉइंग एवरी थिंग इन द पाथ तो ये इतने स्पीड से आते हैं और अपने पाथ में जो चीजें आती है हर किसी को डिस्ट्रॉय करते हुए चलते हैं दिज आर नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया बट आपको टोर्नेडो के बारे में सुनने मिल सकता है डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द टोर्नेडो आखिर टोर्नेडो से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है हम देखते हैं कुछ इस टाइप से देखना कैसे स्पीड में आ रहा है उसके पाथ में जो चीजें आ रही हर किसी को डिस्ट्रॉय करते हुए चल रहा है इट अप्रूट ट्री इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन पोल्स इट डिस्टर्ब पावर सप्लाई एंड टेलीकम्युनिकेशन तो जो भी उसके रास्ते में कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है टेलीफोन पोल से पावर सप्लाई है हर किसी को वो डिस्ट्रॉय करते हुए चलेगा इट लिव्स द पीपल एंड व्हीकल ऑफ

बिल्डिंग एंड द बिल्डिंग कैन एक्सप्लोर तो क्या होता है बिल्डिंग में थोड़ा ज्यादा रहेगा पर आउटसाइड में तो एकदम लोअर प्रेशर और फिर क्या होगा की इतना लोअर प्रेशर क्रिएट करेगा की बिल्डिंग एक्सप्लोर हो जाएगी अब हमने देखा कि क्या-क्या डिस्ट्रक्शन क्या कर रहा है ये टॉरनेडो लेकिन कुछ-कुछ तो प्रोटेक्शन है इससे बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन कि कब आपके पास अगर टॉरनेडो का पता चल गया आपको कि टॉरनेडो आने वाला है या आ चुका है तो अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें या कुछ तो सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं तो देखते हैं कौन-कौन से हैं प्रोटेक्शन ऑफ टॉरनेडो वन शुड टेक द शेल्टर इन अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड द

डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायरस एंड डैमेज एरिया डेमेज बिल्डिंग्स है या इलेक्ट्रिक वायरस है इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि आप जाओगे उसके गिरने के बहुत chances रहेंगे इलेक्ट्रिक वायरस लगने के चांसेस रहेंगे क्लियर तो देखो नो वेयर टू गो वेन शेल्टरिंग फ्रॉम अ टोर्नेडो तो कहाँ जाना है इफ़ यू हैव नो बेसमेंट मूव टू द इंटीरियर रूम विथ नो इंडो विंडो तो देखो बाहर वाले रूम में तो नहीं जाना अगर बेसमेंट नहीं है अंदर वाले रूम में जा सकते हैं आप टॉप फ्लोर में तो बिल्कुल नहीं जाना है एक्सटेरियर रूम्स में भी नहीं, भी नहीं जाना है जाना है हमको बेसमेंट किट तो रखना है बेसमेंट में रहना है बाहर नहीं निकलना एडवांस तो टेक्नोलॉजी है कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो आई है इतनी अच्छी आर्टिफिशियल एआई टेक्नोलॉजी आई है तो कैसे उसने हमें हेल्प किया है ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी द पीपल रेसिडिंग इन द कोस्टल रिजिंस हैव लेस देन अ डे फॉर द प्रिपरेशन और टू इवोक्यूट देयर होम्स फ्रॉम एन ओवरकमिंग साइक्लोन तो हमने देखा है कि पहले क्या होता था कि लोगों के पास पता ही नहीं चलता था मतलब उस दिन ही तुरंत पता चलता था कि साइक्लोन आने वाला है आपको खाली करना है पर आज के डेट में क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है हम लोगों को पहले से पता चल जा रहा है

तो क्या है कि साइक्लोन की वार्निंग अगर आने वाला है तो ट्वेंटी फोर आवर्स पहले ही एडवांस में इशू हो जाती है कि साइक्लोन आने वाला है बच के रहिए देर फोर कोस्टल रेसिडेंट्स हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर एंड इवेक्यूएट देयर होम्स तो उनके पास सफिशिएंट टाइम आ जाता है कि प्रिपेयर कर लो अपना जो जरूरत का सामान है वो रख लो पूरे प्लेस को इवेक्यूएट कर दो सारे लोगों को सेफ प्लेस में मूव करवा दिया जाता है The message related to the cyclone is broadcasted over the radio every hour or half और मैन साइक्लोन इज नियर द कोस तो क्या होता है कि जो मैसेज रहता है वो रेडियो में एवरी आर या हर आधे घंटे में वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है ताकि हर एक लोगों को इसकी खबर हो जाए कोई ना बचे जिससे खबर नहीं है

नेशनल लेवल पे ही वर्क नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क होता है हर कोई पूरे वर्ल्ड के डिजास्टर्स को मॉनिटर करते हैं